को कहते हैं इस्लामपुरा, और यहाँ पर हम लोग एक काला जी चने वाला है उसके पास आए हैं, जो कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का देसी मुर्गे का शोरबा और पाए लगाता है। तो आए ज़रा फिर देसी मुर्गा जो है वो ट्राई करते हैं। चंगा जी जनाब, साढ़े को फाइनली इनका देसी मुर्गा ज़बरदस्त किस्म का टंगड़ी के साथ आ गया, साथ स्पेशल वाला कुलचा, ये देखें ज़रा। हाय 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 हाय, लो जी ट्राई करते हैं इस ज़बरदस्त से कुलचे के साथ असली चीज़ देसी मुर्गे की तरफ। ये चेक करें ज़रा ये, ओए होए 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 होए, चेक करो देसी मुर्गे की सिचुएशन। ये टंगड़ी तो दुआएं देगी, तो ज़रा अच्छी तरह बोटी को नहला के, अपने लुक में को नहला के इस देसी मुर्गे के शोरबे में। तो ये अब ओहो यार बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया करा गया ये देसी मुर्गा। अब इस देसी मुर्गे की अगर बात करेंगे ना, तो इसमें बहुत ही कमाल के और बैलेंस्ड स्पाइसी है, बहुत ही मुनासिब तरीके से गला हुआ है, ना बहुत ज़्यादा घुल रहा है ना फिर बहुत ज़्यादा सख्त है। आपको पूरी अपना नवाला इसमें जबो के डिप करके, भाई जब आपने बॉइल ले ली है ना तो आपको मज़ा आ जाना, वो बढ़िया करा गया भाई। इस वक्त हम बलवान मंडी में खड़े हैं और ढूंढ रहे हैं आपके लिए कोई बेहतरीन सा देसी नाश्ता। हमारे पास एक रिकमेंडेशन है, यहाँ पर सईद भट्ट देसी मुर्गे का शोरबा लगाते हैं। कोई भट्ट साहब हैं जिन्होंने हमें रिकमेंड किया है कि एक दफ़ा यहाँ पर सईद भट्ट साहब के आप देसी मुर्गे का शोरबा जो है वो ज़रूर ट्राई करें। सुबह सुबह पहुँच गए हैं भट्ट साहब का देसी शोरबा पीने के लिए, और टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको भाई यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। तो ये है जनाब सईद भट्ट साहब, अगर आप इनकी लोकेशन समझना चाहें तो भाई ये आप राइट साइड पे निस्मत रोड वाली साइड से जब ग्वाल मंडी के अंदर एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड के ऊपर ही आपको ये मिल जाएगा सईद भट्ट। चार पांच दुकानें छोड़ के यहाँ पर मिलेंगे आपको देसी मुर्गा बेचते हुए। अच्छा जी, तो हमारे पास ये प्याला आ चुका है देसी मुर्गे का, देखने में तो यार बहुत ही लजीज, बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब इसको ट्राई करके देखते हैं भाई, नान का वेट हो रहा है। ये नहीं सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। ओके जी, तो हमारे पास फाइनली देसी मुर्गा आ चुका है, इसको ट्राई करके देखते हैं भाई कर्मा करम नान के साथ। भाई बहुत हैवी सीन चल रहा है देसी मुर्गे का, और खुशबू भी बहुत लाजवाब आ रही है, और वो जो शोरबा थिक सिक सा लग रहा है ना, आहा क्या बात है। यूजली जो शोरबा होता है देसी मुर्गे के अंदर बहुत ज़्यादा पतला शोरबा होता है, फिर इस वक्त मुँह में पानी जो है वो शदीद भर चुका है। तो इसको सबसे पहले शोरबे के साथ ही ऐसे ही ट्राई करते हैं। जैसे ही शोरबे ने टच किया ना ज़ुबान को, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया सीन हो गया, कमाल हो गया। ठीक है, ग्वाल मंडी में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा कोई नाश्ता मिलेगा, लेकिन कमाल हो गया। फिर अब बोटी ट्राई कर देते हैं, बोटी अच्छी है, टेंडर है वो नाश्ता। बोटी देख गई साड़ी ना नहीं पा रहा हो गया, बोटी उठाई नहीं जाने। हमारा जो देसी मुर्गा है ना बहुत बढ़िया है। पूरे देखते बड़े हुए हैं शोरबे के। हम लोग आए थे निस्बत रोड, और यहाँ पर हमें कुछ कैमरा मार्केट के अंदर काम था, और मैं जैसे ही टर्न किया लक्ष्मी चौक की तरफ, मुझे ये एक चीज़ नज़र आई है जहाँ पर बहुत हैवी किस्म का यहाँ पर जो है वो काम चल रहा है। सर यहाँ पे आप रश से अंदाज़ा लगाएं कि क्या हैवी चीज़ होगी। ये देखें ये टेबल फुल, यहाँ पर रश देखें आवाम का। ये देखें वो दूर दूर जिसको जहाँ मिल रही जगह मिल रही है वो वहाँ बैठ के देसी मुर्गा एंजॉय कर रहा है। ये ग्वाल मंडी है जनाब, निस्बत रोड यहाँ पे है, और यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर बैठे हुए हैं जनाब। तो फाइनली हमारे पास भोला जी का देसी मुर्गा आ गया यार। अच्छा ये 300 रुपए का प्याला है जिसमें दो पीस डले हुए हैं, एक थाई का पीस है और एक जो है वो लेग पीस है। लें जी तो ट्राई करते हैं। ओहो हो हो हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो जनाब ये थाई का पीस उठाते हैं, और बोटी चेक करें, अंदर से लाल लाल है और फुल गली हुई देसी मुर्गे की बोटी। डिप करना है ये शोरबे के अंदर और नरम कर लेना है बिल्कुल नान। बहुत ज़बरदस्त यार, हल्का सा फील हो रहा है जैसे कुछ, शायद थोड़ा सा नमक वाली साइड में नमक थोड़ा सा कम है। फुल अंदर अच्छी तरह गोते देने हैं नान को, जैसे ही आप नवाला मुंह में रखें और आपके मुंह में जो फवारे छूटेंगे ना,
शोरबे के, बहुत ज़बरदस्त। और नमक डालने के बाद जो है वो टेस्ट बिल्कुल ठीक हो गया, और क्या ज़बरदस्त किस्म का जो है वो टेस्ट आ रहा है यार। अब लेग पीस ट्राई कर लेते हैं। हमने नाश्ते बहुत ज़्यादा कवर किए हैं, पाए, चने, हलवा पूरी, लेकिन देसी मुर्गे ज़्यादा ट्राई नहीं किए। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि ये लाहौर का बेस्ट देसी मुर्गा। और इस बार हम लोग हैं अंदरून लाहौर टक्साली बाज़ार के अंदर, फज्जा के बिल्कुल ऑपोजिट आपको मिलेगा फग्गू भट साहब का देसी मुर्गा। और ये देसी मुर्गे की अलग ही क्लास है भाई, देसी घी के अंदर ये देसी मुर्गा जनाब तैयार हो रहा है, और इसका जो शोरबा है वो बहुत ही लाजवाब है। तो आए ज़रा ट्राई करते हैं इसका देसी मुर्गा। इसमें लेग पीस होता है, थाई होती है, सीना होता है, शुक्ला होता है, दिल वाला नान स्पेशल होता है, और शोरबा क्या बात है। यही देसी मुर्गे के साथ चाटी वाली लस्सी भी है, कलेजे ठंड पाती है, रुसिया मनाती है, मरी की सैल कराती है, ये यूपिया ले जाती है तो पथराठा घुमाती है, ये पाग ही रोती है, दीवाने हाथ पियो, सुपरमैन लस्सी पियो, पियो तो जियो, पीने वालों मत पियो, सोची मत पवो, जो सोची पिया तो बंदा ही गया, मेरा पिया तो लंडा गया, लो जनाब। तो फाइनली हमारा देसी मुर्गा आ चुका है, और दिल वाले नान जो जीशी शाह साहब टुकर चुके हैं, तो ओए यार नान बड़ा ज़बरदस्त था इनका, मज़ा आया नान तोड़ के। ये चेक करो यार टंगड़ी, आए हाय 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 हाय, उनके बकोल भाई प्योर देसी मुर्गा है, कोई मिस्री वाला सीन नहीं है। मुँह में पानी भर चुका है, और इसकी एक बाइट तो बाइट तोड़ते हैं और देखते हैं। ये देखिए ये जनाब ज़बरदस्त किस्म की बोटी, और ये डिप करनी है आपने इस तरह से प्रॉपर शोरबे के अंदर, ऐसे टपकता हुआ शोरबा, मुंह में पानी और बोटी। वाह स्वाद आ गया, बहुत बढ़िया, क्या ज़बरदस्त किस्म का यार देसी मुर्गा, प्रॉपर तरीके से बोटी जो है वो गली हुई है, शोरबा इतना फ्लेवरफुल शोरबा, आप मैं कहता हूँ खाते रह जाओ, इतने ज़बरदस्त किस्म के मसाले इसके अंदर। और ये देखो जब आप बाइट बना के इस तरह से शोरबे के अंदर इसको डिप करोगे ना, ये प्रॉपर, ये देखो ये, ओए होए होए होए, यार इस देसी मुर्गे में एक स्पेशल जो बात थी वो ये थी कि जब हमने शोरबा पिया ना इसका, तो शोरबा जो है वो गले को जाके लग नहीं रहा, इन्होंने प्रॉपर जो है उसको कुक किया हो, मसाले प्रॉपर हैं यार, मसाले गले में जाके लगते हैं, तो मसाले आपके बिल्कुल बैलेंस्ड होना, तो फिर आपके वो गले में नहीं लगते। डेफिनेटली हमारी तरफ से रिकमेंड है कि आप इधर आएँ एक दफ़ा ट्राई करें यार अंदरून लाहौर की। सीरियसली मुझे बहुत कम चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये वन ऑफ चीज़ है जो आप आके यहाँ पर जो है वो ट्राई कर सकते हैं।